राम मंदिर निर्माण को लेकर चल रही सरगर्मी नेताओं की बयानबाजी से और तेज हो गई है। राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण को लेकर हो रही देरी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद दूसरे बीजेपी नेता भी कांग्रेस और दूसरे विपक्षी पार्टियों पर हमलावर हो गए हैं। लखनऊ में आज यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य राम मंदिर निर्माण को लेकर सपा बसपा और कांग्रेस पर खूब गरजे। उन्होंने कहा, अयोध्या में मंदिर निर्माण होकर रहेगा। अरे कांग्रेसियों, तुम राष्ट्रभक्ति नहीं जानते हो। यह एक ऐसा नेता है जो राष्ट्रभक्त को ही चढ़ सकता है, किसी देशद्रोही का गद्दार के को नहीं चढ़ सकता है। कभी अखिलेश जी के बयान सुनो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मायावती जी के बयान सुनो, भाजपा वोट के लिए राम मंदिर मुद्दे को उठा, भारतीय जनता पार्टी के लिए रामलला का मंदिर कोई राजनीति का विषय नहीं, यह आस्था और श्रद्धा का विषय है। और रामलला का मंदिर रामलला की जन्मभूमि पर जरूर बनेगा। दुनिया की कोई ताकत रामलला के मंदिर पर।